आप देख सकते हैं कि ये वाटरफॉल मैंगलोर से एक्सेसिबल है इन कर्नाटका स्टेट। दिस इज कुद्रेमुख रेंजेस। तो आपको मैंगलोर से बेलथंगडी उजिरे, तो वाया उजिरे यू आर गोइंग टू रीच दिदुपे। सो यहाँ पे दिदुपे, दिदुपे फॉल्स भी इसे कहा जाता है, कदमागुंडी फॉल्स भी कहा जाता है और अनाड़का फॉल्स भी कहा जाता है। आपको दिदुपे गांव से 2 किलोमीटर का ट्रैक है इन डेंस जंगल, बेटर टेक अ गाइड, और आपको एंट्री फीस भी भरना है। नवंबर 2015 में हम कर्नाटका टूर पे थे, वहाँ पे हमने बहुत सारे ट्रैक किए। उसमें से एक था दिदुपे फॉल्स, कदमागुंडी फॉल्स या अनाड़का फॉल्स। ये भी एक्सीडेंटली हुआ था, हम जाने वाले थे बंडाजी अरबी फॉल्स, लेकिन वहाँ की परमिशन नहीं मिली, तो इसलिए हमने हमारा प्लान चेंज किया। हम वाया बेलथंगडी उजिरे हम लोग दिदुपे गांव पहुँचे। बहुत घना जंगल था, ऐसा लग रहा था एवरग्रीन फॉरेस्ट है। हमने कोशिश की ट्रैक रूट ढूंढने की, हम थोड़े जंगल में भटके। फिर आखिर में हमने वापस आके एक लोकल हेल्प लिया, एक बच्चे की, जिसने हमें सही दिशा दिखाई, और गिरते पड़ते हम धीरे धीरे पहुँचे। गांव से ट्रैक रूट इज़ ओनली 2 किलोमीटर्स, लेकिन बहुत घना जंगल है। तो मेरा एडवाइस है कि आप किसी लोकल गाइड का सहारा लें। ट्रैक रूट पे काफ़ी लीचीज है, इसलिए आप नमक तैयार रखें। हमेशा की तरह हमारी मजाक मस्ती चल रही थी। ए हिला ना जोर जोर से। यह ट्रैक बारिश में करने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लीचीज है और बहुत हैवी रेनफॉल होता है, इसलिए यहाँ पे रिवर क्रॉसिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, काफ़ी दिक्कत होगी। इसलिए यह ट्रैक नवंबर और दिसंबर, ये 2 महीने में काफ़ी अच्छा होगा, जब पानी ज़रा कम हो जाएगा और आप ट्रैक रूट भी ज़रा क्लियर हो जाएगा। और भूलिएगा मत कि आपको एक लोकल गाइड का सहारा लेना है, क्योंकि यहाँ के जंगल बहुत ही घने हैं। मैंने शायद ही कोई ऐसा घना जंगल देखा हो इंडिया के अंदर। आराम से स्लीपर, ये देख, चेक कर पहले स्लोप। ये पप्पे के दिल आराम से। फॉल्स अनाड़का फॉल्स,